करीबन 2 दशक पहले एक फिल्म आई थी करण अर्जुन। इस फिल्म की कहानी दो भाइयों के पुनर्जन्म पर आधारित थी। कि कैसे कर्ण अर्जुन नाम के दो भाइयों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बेमौत मारे गए अपने दो बेटों की मौत के बाद एक बूढ़ी माँ उनके आने का इंतजार करती है। मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहाँ से आएंगे? बोल बुढ़िया, कहाँ तेरे करण अर्जुन? बोल, बोल, बोल कहाँ है वो? और आखिरकार वे बेटे फिर से जन्म लेते हैं और इंतकाम पूरा करते हैं। हालांकि इस तरह की कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुकात नहीं होता, लेकिन फिर भी असल जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो इंसान को सोचने को मजबूर कर देती हैं। पुनर्जन्म की कुछ ऐसी ही दास्तां का दावा किया जा रहा है राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में। यह कहानी 23 ML और खूनीचक नाम के दो गाँवों के इर्द गिर्द घूम रही है और इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम है गुरप्रीत सिंह। 12 साल के गुरप्रीत के परिजनों की माने तो जब वह 2 साल का था तभी अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। गुरप्रीत अक्सर अपने परिजनों को बताता कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में उसका नाम गुरसेवक था और वह हनुमानगढ़ जिले के खूनीचक गांव में रहा करता था। एक सड़क हादसे के दौरान उसकी मौत हो गई और अपनी मौत के 8 महीने बाद ही उसने दूसरा जन्म 23 ML में गुरप्रीत के रूप में लिया है। गुरप्रीत के परिजनों ने जब बातों की तस्दीक की तो गुरप्रीत द्वारा कही जाने वाली बातें मेल खाने लगी। हमारे बेटे की कहानी ये है कि जब ये 3 साल का था तो ये बताता था मैं कुली चक्का हूँ और अपने माँ बाप को कहता था कि यहाँ भी और वहाँ भी। उसके बाद हम इसको लेके गए और उसके बाद फिर गया ये वहाँ पे, इसने अपनी साइकिल भी चलाई गली में और वहाँ जो पहले का ट्रैक्टर था छोटा वो भी इसने पहचाना और अपनी मम्मी पापा को पहचाना। गुरप्रीत के परिजन जब उसे गांव खूनीचक लेकर गए तो एक बार की उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस गुरसेवक की मौत का जिक्र गुरप्रीत ने किया वह हकीकत में इसी गांव में ही रहा करता था। गुरसेवक के परिजनों की माने तो गुरसेवक एक ट्रैक्टर मैकेनिक था और करीबन 13 साल पहले एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। इस घर में पहुंचते ही 12 साल का गुरप्रीत अपने पिछले जन्म के परिजनों से मिला और उन्हें वे बातें बताई जो सिर्फ गुरसेवक ही जानता था। गुरप्रीत के मुँह से ऐसी बातें सुनकर उन्हें भी यकीन हो गया कि गुरसेवक ने ही गुरप्रीत के रूप में दूसरा जन्म लिया है। चेक के देख रहे थे तो ट्रैक्टर पलट गया और उनकी सांसे में डेथ हो गई। अभी जो ये बच्चा है इसने सब कुछ मतलब अपने पास्ट के बारे में बता दिया है कि मैं ये घटना हुई थी मेरे साथ और जो मम्मी पापा को भी पहचान लिया और अपनी मेरी मम्मी जो उनकी भाभी है उनको भी इन्होंने अच्छी तरह से पहचान लिया। हालांकि इस तरह की पुनर्जन्म की बातों पर यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन कई बार इस तरह के मामले सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो जाते हैं। बहरहाल कोई और यकीन करे ना करे, लेकिन इन दोनों परिवारों ने पुनर्जन्म की बात पर भरोसा कर लिया है और इसी के चलते इन दोनों परिवारों के दरमियान एक अनोखा रिश्ता भी कायम हो गया है। थार समाचार राजस्थान का पहला वेब चैनल, मैं इसकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये इसी तरह लगे रहें, जनता की आवाज़ जो है राजस्थान के कोने कोने में पहुँचाएँ और बुलंद करें।